हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान से जुड़े रोडवेज के कर्मचारियों ने बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रोडवेज के निजीकरण का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक एवं रोडवेज के कार्मिकों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन के शासन काल में ही 44 श्रम कानूनों को देश के नैगमिक औद्योगिक घरानों पूंजीपतियों के पक्ष में बदलने का काम किया। वेज कोड बिल पारित करके केंद्र सरकार ने देश के मजदूर वर्ग पर हमला बोला, जिससे मजदूर वर्ग के कर्मचारियों की आर्थिक दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस इंटक ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई पर रोक लगाने, श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को पुनः निस्तृत करने, 44 श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को वापस लेने, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 करने, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर सभी श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के साथ वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं दिलवाने, मजदूर आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप को खत्म कर ट्रेड यूनियन पंजीकरण में मालिक प्रशासन और सरकार की दखलंदाजी बंद करने समेत 12 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम सौंपा। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर आगामी दिनों में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक द्वारा प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही रोडवेज एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वृद्धिजन जैन केंद्रीय बस स्टैंड एवं सिंदरी चौराहे के पास नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले निजी बस संचालकों एवं अवैध वाहनों से मुक्ति दिलाने की मांग की। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सिंदरी सर्कल पर अवैध वाहनों की भरमार होने से यहां का यातायात बाधित हो रहा है। वहीं निजी बस संचालकों के मनमाने रवैये रोडवेज प्रबंधन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि गत दिनों जिला प्रशासन ने सिंदरी चौराहे पर वाहनों के ठहराव पर रोक लगाई थी, बावजूद इसके निजी वाहन संचालक एवं अवैध वाहन चालकों की मनमानी जिला प्रशासन के आदेश पर हावी हो रही है। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार इस संबंध में परिवहन विभाग समेत जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रोडवेज एसोसिएशन ने मांग की है कि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों एवं विभिन्न रूटों पर अवैध रूप से चलने वाले निजी वाहनों एवं उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें पाबंद किया जाए। केंद्र सरकार के श्रम विरोध नीति के विरुद्ध में हम सारे जितने भी असंगठित और संगठित कर्मचारी है, फर्स्ट बात तो ये है कि हमारे जो श्रम कानून थे 44 श्रम कानून है, उनको मोदी सरकार उनको 4 श्रम कानून में बदल कर ये कर रही है। हम ये जितने भी श्रमिक है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारा एक भी निवेदन है कि जितना भी निजीकरण जो होने जा रहा है वो निजीकरण के विरुद्ध में हम सारा, जैसे रोडवेज है, रोडवेज का भी निजीकरण होने जा रहा है, और सारी कंपनियां एक्टिव होकर और ये यहाँ पर कंपनियां एक्टिव होकर और किसानों की जो भूमि हड़पना चाहती है, इनके विरुद्ध में आज हम जिलाधीश महोदय को, राष्ट्रपति के नाम से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, और हम राजस्थान सरकार को भी एक ज्ञापन देंगे। राजस्थान सरकार के नाम अशोक गहलोत के नाम भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमारा निजीकरण जो हो रहा है रोडवेज के अंदर, जो निजीकरण हो रहा है, हम इस सरकार के भी खिलाफ होने जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटक संगठन और एटक संगठन, जितने भी हमारे सीटू और जितने भी संगठन है, संयुक्त मोर्चा, हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, हम आने वाले दिनों में हड़ताल और सरकार के विरुद्ध भी जा सकते हैं। ये हमारा धरने पर भी बैठ सकते हैं, ये हमारा आह्वान। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।